रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है। मतदान कराने के लिए शहर के आईटीआई कॉलेज गोरा बाजार परिसर में पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों और बूथों के लिए रवाना की जा रही हैं। आईटीआई कॉलेज परिसर में चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने के लिए अभिलेखीय प्रक्रिया शुरू की। संसदीय क्षेत्र में कुल 17,83,571 मतदाता हैं। इनमें से 8,52,552 महिलाएं एवं 9,30,983 पुरुष मतदाता हैं। रायबरेली में कल 1,236 मतदान केंद्र एवं 1,867 बूथ हैं। लोकतंत्र के महापर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को प्रशासन की ओर से जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए अभी हम लोग सभी लोग आईटीआई गोरा बाजार के प्रांगण में हैं। मोहन आईडी यहाँ से आज पार्टी रवानगी की कार्यवाही उसको संचालित किया जा रहा है संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ। आज हमारे जो 2,236 बूथ है उसके लिए जो पोलिंग पार्टी की रवानगी की जा रही है व्यवस्थित ढंग से पोलिंग की जो मटीरियल्स है यानी कि जो सामग्री है साथ ही साथ जो इंटरफेस रैम है उसके लॉग इन और उसके संबंध में बताया जा रहा है। पूरी साथ ही साथ ठीक ट्रेड से संबंधित सारे अरेंजमेंट्स करते हुए और किसी भी पोलिंग पर्सनल को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े ऐसे व्यवस्थित अरेंजमेंट में। कितने कार्मिक लगे हैं? जैसा मैंने बताया आज हमारी 2,236 प्लस 10% रिजर्व मिलाते हुए हमारी 2,000। कल 20 मई को रायबरेली जनपद में मतदान होना है। सुरक्षा के सभी मानकों को पूर्ण कर लिया गया है। यहाँ जितने भी मतदान केंद्र हैं मानक के अनुरूप सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जितने भी यहाँ पर संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पर CAPF का अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट किया गया है। थाना मोबाइल, क्लस्टर मोबाइल और PAC के द्वारा भी लगातार भ्रमण किया जा रहा है। हमारा आप सभी लोगों के माध्यम से यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर हैं वो अपने घरों से बाहर आएँ, मतदान करें और बिना डर के, बिना भय के मतदान करें ताकि हमारा लोकतंत्र है उसको और मजबूती प्रदान की जा सके। कितने सुरक्षाकर्मी लगे हैं? टोटल मिला करके PAC है, CAPF सबको मिला करके लगभग 5,000 से ऊपर सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।